हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और इकोनॉमी की क्लास में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज आप लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। ध्यान से देखिएगा ताकि सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप लोगों को एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो आपका क्लास है ये है गरीबी पे, यानी कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के लिए, गरीबी के बारे में आज हम जानेंगे, यानी कि पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है ये आपकी गरीबी है। और इसमें आप देखेंगे बच्चों, गरीबी कहते किसे हैं, तो गरीबी का डिफिनेशन क्या है आधिकारिक भाषा में, जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। इन जो है न्यूनतम आवश्यकताओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, यानी कि अयोग्यता मीन्स क्या है कि जीवन की जो न्यूनतम उपभोग की या जो आवश्यक चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है उसको प्राप्त करने में हम अयोग्य हों या असमर्थ हों, या हमारे पास वो सारे संसाधन ना हो जो कि हमारी न्यूनतम ज़रूरत है या जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है हम उसे ना प्राप्त कर पाए तो हम गरीब कहलाएंगे। और वो मूलभूत चीज़ें क्या हैं तो आप जानते हैं, उसमें आपके क्या आएंगे, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे क्या हैं आपके न्यूनतम आवश्यक चीज़ें हैं। पहले हम सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान को लेते थे न्यूनतम आवश्यक चीज़ों में या मूलभूत आवश्यक चीज़ों में, लेकिन अभी क्या है, अभी उसमें शिक्षा को, स्वास्थ्य को, शुद्ध पेयजल जो मतलब चीज़ें हैं यानी कि पानी है, यानी कि शुद्ध पानी होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान के पहुँच से बाहर हैं तो वो गरीब है। ऐसा नहीं किसी के पास खाने की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है तो अमीर हो जाएगा। उसको अच्छे पानी भी यानी कि स्वच्छ पानी भी मिलना चाहिए, उसके पास स्वास्थ्य की व्यवस्था भी होना चाहिए यानी कि वो समय समय पे अच्छी दवाएं भी ले सके, और इसके अलावा उसके पास जो है इन सारी सुविधाओं का जो है एक तरीके से कहीं की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि मूलभूत आवश्यकता में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब शामिल होने लगी हैं। गरीबी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है सापेक्ष गरीबी और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। बहुत आसान है बच्चों, सापेक्ष मीन्स क्या होता है, किसी के समान या उसके जैसा, यानी कि अगर सोसाइटी में जो लोग हैं जो सबके पास धन है या जो आय है उसमें समानता ना हो, उसमें असमानता आ जाए, यानी कि एक जो है वर्ग या कुछ लोग जो हैं वो अमीर हैं लेकिन उनके सापेक्ष या जो समकक्ष हैं कुछ लोग जो हैं वो गरीब हैं या उनके पास उतना आय नहीं है जितना कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो इसी को कहते हैं सापेक्ष गरीबी। यानी कि किसी देश में या किसी क्षेत्र विशेष में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और कुछ लोगों के पास पैसे बहुत कम हैं, वो अपनी दैनिक या जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसी को कहते हैं सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी किसे कहेंगे, यानी कि बिल्कुल शुद्ध गरीबी, ऐसी गरीबी जिसमें व्यक्ति अपने उन जो बेसिक चीज़ें हैं यानी कि एक जगह आय की असमानता को हम देख रहे हैं, यानी कि सापेक्ष गरीबी में हम आय की असमानता को देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास आय बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। निरपेक्ष गरीबी में हम क्या देखेंगे, इसमें जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर ये सारी चीज़ें किसी के पास नहीं है तो यानी कि वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा। तो बहुत आसान है बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, मैं उसी को पढ़ दे रही हूँ। सापेक्ष गरीबी मीन्स यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न वर्ग के मध्य कितनी विषमता है। विभिन्न वर्ग मीन्स कि कुछ लोगों के पास पैसे बहुत हैं और कुछ के पास बहुत कम है। जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या और जीवन स्तर सामान्य लोगों से कम हो, समाज के औसत व्यक्तियों की तुलना में उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यानी कि कुछ लोग जो हैं उनके पास आय बहुत है और कुछ लोगों के पास आय बहुत कम है, तो ये क्या हो जाएगा, सापेक्ष गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी में आप देख सकते हैं मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता जो है सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं शिक्षा, ये सारे क्या हैं, ये निरपी यानी कि अगर इन सब की कमी है किसी के पास तो वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा। और आप देखेंगे जो भारत सरकार है या जो भारत है वो निरपेक्ष गरीबी को का ही अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण करती है या गरीबी रेखा का प्रयोग करती है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ किस तरह की गरीबी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ निरपेक्ष गरीबी ज़्यादा है। सापेक्ष गरीबी
अमीर देशों में होती है या जो विकसित कंट्री होते हैं वहाँ होती है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि गरीब कौन है, तो वहाँ पे लोग देखते हैं कि पैसा ज़्यादा किसके पास है और कम किसके पास है। लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, यहाँ पे तो हम पहले ये देखते हैं कि कौन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, किसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी मूलभूत चीज़ों को ही पूरा कर सके। तो ऐसी गरीबी ज़्यादातर अल्प विकसित देश या विकासशील देशों में पाया जाता है। और हमारे यहाँ भी दोनों तरह की गरीबी पाई जाती है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर पाई जाती है या जिसका हमें अध्ययन करना है, ये आपकी निरपेक्ष गरीबी है, यानी कि मूलभूत चीज़ों का हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा बच्चे कि आज भी हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोग निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। और उसी का हम अध्ययन करेंगे, और उसी के अध्ययन के लिए गवर्नमेंट कौन सी चीज़ का उपयोग करती है, तो गरीबी रेखा लाइन का उपयोग करती है, जिसको हम कहते हैं BPL APL, और इसको हेड काउंट मेथड भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो अपनी जो है प्रति व्यक्ति आय उनकी बहुत कम है, वो ये मूलभूत चीज़ें अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के अंतर्गत रख दिया जाता है, यानी कि उसके नीचे रख दिया जाता है। और उसके नीचे जितने भी लोग आते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है और माना जाता है कि इतने हमारे देश में लोग गरीब हैं, और इसी को कहा जाता है हेड काउंट मेथड। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, हेड काउंट मेथड क्या है, तो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को ही काउंट किया जाता है, और इसी को हेड काउंट मेथड कहते हैं। और हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसी मेथड का उपयोग करती है। तो इसी को आगे हम समझा रहे हैं आप लोगों को, इसी को मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखा है कि गरीबी रेखा से यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जिसका प्रतिमाह, अच्छा मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था कि गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति मासिक आय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जिसका प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है उन्हें निर्धन माना जाता है, यानी कि जो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। तो इसको ध्यान देंगे। आगे है जो है निर्धनता निर्धारण की इस विधि को, यानी कि जो गरीबी निर्धारण की जो विधि है इसको कहते हैं हेड काउंट विधि। ये इंपॉर्टेंट रखेंगे बच्चों, ये क्या है, हेड काउंट विधि कहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को जब हम काउंट करते हैं तो इसी को हेड काउंट मेथड कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये। आगे है निर्धनता की श्रेणियाँ, कितने प्रकार की निर्धनता होती है, इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में क्या है, चीरकालिक गरीबी, यानी कि वो गरीबी जो लंबे समय तक चले, यानी कि जल्दी ख़त्म ही ना हो, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लोग जो अनियमित जो है मजदूर हैं, जिनके पास डेली काम करने के लिए मजदूरी जो है प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के यहाँ मोस्टली हमेशा गरीबी पाया जाता है। उनके लिए कोई मौसम, कोई जो है वर्ष या महीने अलग नहीं होते, ये ज़्यादातर गरीबी में ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसे ही गरीबी को श्रेणी वन में रखा जाता है और इसे चीरकालिक गरीबी कहा जाता है। और जो दूसरा है वो है श्रेणी टू, इसे कहते हैं अल्पकालिक गरीबी, यानी कि ऐसे लोग जो वर्ष में या महीने में या कहिए कि कुछ टाइम या कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो मतलब जो है गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम यानी कि बाकी के टाइम में उन्हें काम मिलता है और वो अपने घर के खर्चे आसानी से चला लेते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए गरीब हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो थोड़े से गरीबी रेखा के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्पकालिक गरीब कहा जाता है, यानी कि जब उन्हें मौसम आए तो काम मिल जाए, लेकिन जैसे ही वो मौसम जाए तो उन्हें काम से जो है निकाल दिया जाए या काम उन्हें ना मिले, वो साल के कुछ महीने या आप देखेंगे कुछ दिन ही काम कर पाए, तो ये ऐसे जो गरीब होते हैं वो अल्पकालिक गरीब कहलाते हैं। और जो तीसरा है यानी कि श्रेणी में जो तीसरी श्रेणी है, यानी कि कभी गरीब नहीं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका निश्चित आय का स्रोत हो, यानी कि ऐसे घर जिनके घरों में गवर्नमेंट जॉब में हो लोग, या उनका अपना बिजनेस हो जहाँ से उन्हें हमेशा पैसे मिलते रहे, या जो घर का खर्च है या जो ज़रूरतें हैं वो हमेशा पूरी होती रहे, तो ऐसे लोग कभी गरीब नहीं होते और इन्हें श्रेणी नंबर तीन में रखा जाता है। तो ये तीन तरह के गरीब हैं, इसको ध्यान देंगे बच्चों। आगे हैं ग्रामीण निर्धनता और जो है शहरी निर्धनता। तो ग्रामीण निर्धन किसे कहेंगे, यानी कि रोजगार स्वरोजगार का अभाव, आजीविका और आय के सीमित स्रोत, कृषि क्षेत्र में व्यापक प्रचंड बेरोजगारी, सामूहिक परिवार प्रणाली ग्रामीण निर्धनता
में जो है शामिल किए जाते हैं और कौन कौन से व्यक्ति ज़्यादातर होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे भूस्वामी, काश्तकार, दैनिक मजदूर, यानी कि ऐसे भूस्वामी जिनके पास जमीन नहीं होता, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं भूमिहीन, भूमिहीन व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन, तो भूमिहीन जो व्यक्ति होगा वो भी इसमें शामिल होगा। तो यानी कि ग्रामीण निर्धनता में कौन से लोग शामिल होंगे, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास स्वरोजगार नहीं है, जिनके पास आजीविका का अभाव है, यानी कि वो अपने लिए पैसे नहीं कमा सकते, अर्न नहीं कर सकते, जिनके पास आय की सीमित स्रोत हैं, जिनके पास कृषि क्षेत्र में व्यापक प्रचंड बेरोजगारी है, यानी कि वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, या सामूहिक परिवार, आप देखे हैं सामूहिक परिवार प्रणाली, जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी, अभी तो धीरे धीरे टूटती जा रही है, लेकिन पहले गाँव में यही प्रणाली चलती थी और इस तरह के परिवारों में भी गरीबी पाई जाती थी, क्योंकि घर के कुछ ही लोग काम करते थे, बाकी जो जनसंख्या होती थी उन्हीं के ऊपर निर्भर होती थी, जिससे वो जो भी कमाते थे वो परिवार में ख़त्म हो जाता था या व्यय हो जाता था या उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता था, इसलिए जो गांव के लोग हैं वो गरीब ही बने रहते थे, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होती थी, आय के स्रोत कम होते थे, कमाने वाले कम होते थे और खर्चा करने वाले ज़्यादा होते थे या उसको जो है कंज्यूम करने वाले ज़्यादा होते थे, तो ये भी रीज़न बनता था ग्रामीण गरीबी के लिए। तो इतने सारे रीज़न हैं बच्चों ग्रामीण गरीबी के लिए, यानी कि यहाँ पे ग्रामीण निर्धनता है। दूसरा है आपका शहरी निर्धनता। शहरों में निर्धनता कहाँ पाई जाती है, कौन से लोग हैं जो शहरों में निर्धन माने जाते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार सीमित है। शहरी निर्धनों में शहर की ओर पलायन करने वाले लोग, कारखाने के अनियमित मजदूर, स्वनियोजित फेरी वाले होते हैं, जो नौकरी की तलाश में गाँव से शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। यानी कि शहरी गरीबी में कौन लिया जाता है, तो शहर में उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि शहरों में उद्योग धंधों में और सेवा क्षेत्र में बहुत कम जॉब होता है और गांव से बड़े पैमाने पे लोग शहर की तरफ चले जाते हैं उम्मीद लगाए हुए कि उन्हें वहां पे नौकरी मिलेगी और अच्छा पैसा अर्न करेंगे, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है और आय के स्रोत बहुत कम है, तो वहां पे जब लोग पहुँचते हैं तो सबको नौकरी नहीं मिल पाती या बहुत कम दर पर उनको जॉब मिलता है, या आप देखेंगे ज़्यादातर लोग ठेले लगाना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे जो है अपना फेरी के द्वारा यानी कि घूम घूम करके बेचते हैं सामान को, तो उससे बहुत ज़्यादा अर्न नहीं होता, या जो मजदूरी है वो भी बहुत ज़्यादा आप देखते हैं नहीं होता है, क्योंकि आसानी से जब लोग मिलते हैं डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो मजदूरी वहाँ पर कम मिलती है और ऐसे में जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहता है। तो जो ये शहर से मतलब शहर की तरफ लोग चले जाते हैं और शहरों में उनको जॉब नहीं मिलता, छोटे छोटे काम करते रहते हैं, अनिश्चितता रहती है, बहुत कम पैसे होते हैं, यही लोग जो है शहर में गरीबी बढ़ाते हैं, या कहिए कि शहर के गरीबों में इन्हीं को लिया जाता है जो गांव से शहर की तरफ उम्मीद लगाए जाते हैं कि उन्हें वहां जाकर के अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये जो है आपके शहरी गरीबी के अंतर्गत ये लोग आते हैं जो शहर की तरफ गए हुए हैं। गरीबी या निर्धनता के कारण क्या हैं? बहुत सारे कारण हैं बच्चों, आप लोगों को मोस्टली ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से, आप लोग एक बार इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद पढ़ चुके हैं आप लोग, में होने वाले वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। यानी कि हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद तो होता है हर साल, सेवाओं का वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा हर साल हमारे यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको पता है कि कुछ ही सालों में हम चाइना से आगे निकल जाएंगे जनसंख्या में और दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। आज भी हम जो है बहुत सारे कंट्रियों को मिला लें तो उतनी जनसंख्या रखते हैं अपने यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा जनसंख्या हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये रुकने वाला नहीं है, इसे कम किया जा सकता है और वो अभी आसार नहीं है उसके, तो ये भी क्या है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बेरोजगारी होती है, गरीबी आती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, आप देखेंगे समाज में ऐसे बहुत सारी बुराइयां बढ़ती हैं, जो है बहुत सारा आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी बहुत सारी जो है परेशानियाँ आ जाती हैं गरीबी की वजह से। तो गरीबी अपने आप में बड़ी बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन उस परेशानी का जो सबसे मेन रीज़न है वो जनसंख्या वृद्धि है। तो जनसंख्या वृद्धि आप देखेंगे बच्चों हर जगह जो है मेन फ्रंट पर आ जाता है। तो तेज़ी से जो बढ़ती जनसंख्या है ये क्या करती है, सकल घरेलू उत्पाद को निष्प्रभावी कर देती है, यानी कि जो सरकार उत्पादन करती है उससे कहीं भी ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या है वो हर साल ग्रोथ कर जा रही है, ये भी एक रीज़न है। दूसरा है भारत में कुल जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय आय जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी कम है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। यानी कि हमारा जो
पूरा राष्ट्रीय इनकम है वो जनसंख्या की अपेक्षा बहुत कम है या उसका ग्रोथ बहुत कम है, जिसकी वजह से जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बहुत कम हो जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ गरीबी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसको भी ध्यान देंगे, भारत पंचवर्षीय योजना के दरमियान आर्थिक वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि बहुत कम मतलब जो है रही, यानी कि जो भारत ने पंचवर्षीय योजनाएँ रखी थी उन योजनाओं के दरमियान हमारे यहाँ जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, या जो प्रति व्यक्ति ग्रोथ है या जो टोटल ग्रोथ है इन सब में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ। तो ये भी एक रीज़न है कि हम जो है बहुत ज़्यादा गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए। अगर उस दरमियान बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ होता राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रति व्यक्ति स्तर पर भी, तो हम गरीबी से और बाहर निकल सकते थे। आगे है बच्चों, नेक्स्ट है, भारत में चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्पकालिक रोजगार की समस्या पाई जाती है, यानी कि हमारे यहाँ लंबे समय तक बेरोजगारी पाया जाता है और बहुत कम समय तक रोजगार पाया जाता है। ये भी एक रीज़न है जो है गरीबी का, यानी कि अगर व्यक्ति के पास आय के स्रोत नहीं होंगे, इनकम के स्रोत नहीं होंगे, उसके पास जॉब नहीं होगा तो वो गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ा रीज़न है गरीबी के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में पूंजी स्टॉक तथा पूंजी निर्माण का जो दर है वो निम्न है, यानी कि हमारे पास पूंजी कम है और पूंजी निर्माण की जो दर है वो बहुत स्लो है, बहुत निम्न है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि समृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से भी हमारे यहाँ गरीबी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में आज भी योग्य एवं कुशल उद्यमियों का अभाव है, यानी कि ऐसे उद्यमकर्ता जो हर तरह के प्रशिक्षण से युक्त हो उनका अभाव है। भारत में इस तरह के उद्यमियों का आज भी अभाव पाया जाता है, ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है, भारत में आय का असमान वितरण पाया जाता है, यानी कि आज भी आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है समस्या है कि बहुत कम लोगों के पास जो संपत्ति का संकेंद्रण है, और जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है उनके पास संपत्ति का अभाव पाया जाता है, या ज़्यादातर जो लोग हैं उनके पास संपत्ति बहुत कम पाई जाती है, तो ये भी एक रीज़न है जो है गरीबी का। नेक्स्ट है, सामाजिक कुरीतियाँ रूढ़ियाँ ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ समाज में आज भी विद्यमान है, और ये भी एक रीज़न है गरीबी का, क्योंकि हमारा जो सोच है वही पारंपरिक तरीके का है, हम कुछ नया कुछ बेहतर नहीं कर सकते। जैसे महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को ये जॉब नहीं करना चाहिए, तो ये भी गरीबी में एक बड़ा रीज़न माना जा सकता है। तो जो रूढ़ियाँ हैं, जो समाज की सोच है, इसके में परिवर्तन ला करके भी हम कुछ हद तक इसमें जो है बेहतर कर सकते हैं। आगे है बच्चों, निर्धनता जाल या दुष्चक्र, निर्धनता जाल क्या है या दुष्चक्र क्या है, यानी कि निर्धनता का जो जाल सा बना हुआ है, आदमी उसमें फंसा रहता है और उसे बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये जाल क्या है, जैसे आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है और वो कहीं पे काम करता है, लेकिन आपको पता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और काम के अवसर बहुत कम है, और जब वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं तो लोग उसके बदले में मजदूरी बहुत कम देते हैं, यानी कि वो काम तो करते हैं लेकिन उन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती है, और फिर उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, और जो ऋण होता है वो बहुत ऊँची ब्याज पर मिलता है, और फिर उस ब्याज को नहीं चुका पाते हैं, और ऐसे जो है परिस्थितियों में वो अपने परिवार के सभी मेंबर को कुछ ना कुछ काम में लगा देते हैं। जैसे आप देखेंगे अपने बच्चों को भी वो काम में लगा देते हैं, और उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है अच्छा इन सारी चीज़ों के अभाव में वो कुछ बेहतर नहीं कर पाते, और आगे चल के उनकी अगली पीढ़ी भी जो है वो गरीब ही रह जाती है, और उसके आगे फिर ये परंपरा चलती रहती है। और गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये स्टेटमेंट चलता रहता है, और ये जो दुष्चक्र है या जो चक्र है गरीबी का, ये चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो गरीब इंसान है उसे बाहर नहीं निकल पाता, और जो अमीर है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं और स्वास्थ्य की सुविधाएं और सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, तो उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा आगे जाते हैं, उनके बच्चे उनसे भी आगे ज़्यादा जाते हैं। तो कोई गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है, और कोई अमीर इसलिए है क्योंकि वो अमीर है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सटीक सा भी लगता है। नेक्स्ट है बच्चों, जो है ये आपने देखा दुष्चक्र, ये आप ध्यान देंगे। दूसरा है लॉरेंज वक्र विधि, लॉरेंज वक्र विधि क्या है, तो लॉरेंज वक्र को 2005 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। ध्यान देंगे ये कब आया है, 2005 में आया है। इसके द्वारा किसी देश की आय विषमता को ज्ञात करते हैं, यानी कि किसी देश में आय में विषमता कितनी है, यानी कि कितने लोगों के पास कितनी आय है, इसको ज्ञात करते हैं। आगे है, यदि समान के यानी कि आप देखेंगे जो व्यक्ति हैं 10% लोग हैं और उनके पास आय का 10% है, और 20% लोगों के पास आय का 20% है, और इसी क्रम में आगे बढ़ता रहे, यानी कि जितने परसेंट लोग उतने परसेंट उनके पास आए, तो ये क्या है, ये जो है समानता को दिखाता है, आय की समानता को दिखाता है, और इसको जो प्रदर्शित करता है रेखा उसको कहते हैं 45
जो डिग्री रेखा है वो आय की समानता को दर्शाता है, और ये आपका 45 डिग्री जो रेखा है ये आपका ये है, ये 45 डिग्री रेखा है आपका, और ये आपका लॉरेंज वक्र रेखा है जो सीधी है, और ये आपका 45 डिग्री रेखा है जो है। इसी के उतार चढ़ाव से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ गरीबी या आय में असमानता कितना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, यानी कि जो 45 डिग्री रेखा है ये जो गई है, अगर ये ऐसे रहे तो यानी कि हमारे जो जिस भी देश में इस तरह से रेखा जा रही है, यानी कि वहाँ पे आय में समानता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये आय का स्रोत है, ये आय है और ये 100% तक है, या 10 को 100 कर सकते हैं, और ये व्यक्ति हैं, आप यहाँ पे व्यक्तियों को देखेंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 1% लोगों को लेंगे तो यहाँ पे लेके आएंगे तो यानी कि 1% लोगों के पास 1% आय है, बराबर है। 2% लोगों के पास, या इसको 20 करेंगे तो 20% लोगों के पास आय का 20% है, बिल्कुल सही है। 30% लोगों के पास आय का 30% है, यानी कि अगर आप इसको ऐसे ग्राफ को बनाएंगे तो ये समान बता रहा है कि जितने परसेंट लोग उनके पास आय का उतना ही जो है व्यवस्था है, यानी कि ये बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे रहे तो आय में समानता पाई जाएगी, लेकिन ये लाइन जैसे जैसे नीचे जाएगी तो असमानता बढ़ती जाएगी। जैसे इसमें आप देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और ये 10 है, और सेम इधर भी करेंगे। अब आप ये देखेंगे बच्चों, मान लीजिए यहाँ 1 है 2 है 3 है, यानी कि ये 4% या 5% या 50% इसको ले लीजिए, और आप देखेंगे फिर यहाँ पे अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा असमानता है। जैसे 1% आय जो है वो 2% लोगों के पास, यानी कि 2% लोगों के पास सिर्फ 1% आय है, और अगर आप 2% के पास जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ तक जा रहा है, यानी कि 60% लोगों के पास सिर्फ 2% आय है। कितना ज़्यादा असमानता है कि 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2% आय का है, यानी कि ये रेखा जितना ज़्यादा नीचे जाएगी उतने ही ज़्यादा ये खतरनाक स्थिति बनेगी। और 3% पर जाएंगे तो आप देखेंगे 90% लोगों से भी जो है लगभग 90% लोग इसके अंतर्गत आ जा रहे हैं, यानी कि 90% लोगों के पास सिर्फ 3% आय है, यानी कि यहाँ पे आय की असमानता बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो इधर के जो ऊपर के परसेंटेज हैं वो सिर्फ 10% के लोगों के पास सिमट जाएंगे, यानी कि अगर ये रेखा दूर होती जाएगी, इससे जितना ज़्यादा दूर आएगी, अगर ऐसे आ गई तो जान लीजिए बच्चों कि आय जो है वो पूरी तरह से सिर्फ 1% लोगों के पास ही सिमट गई है। तो ये जो आपका 45 डिग्री रेखा है ये जितना इसके पास से जाएगी उतना ही अच्छा है, और जितना इससे दूर जाएगी उतना ही ज़्यादा ये खराब है, यानी कि ये दूर नहीं जाना चाहिए आपका 45 डिग्री, ये लॉरेंज वक्र के पास रहना चाहिए, तब जा करके आपके देश में या जो भी देश होगा वहाँ पे माना जाएगा कि आय में समानता है। तो ये टेक्निक आपको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा है। आगे है गिनी गुणांक। ये गिनी गुणांक क्या है? ये गिनी गुणांक जो है 2012 में शुरू किया गया था, और किसने शुरू किया था? इटालियन सांख्यविद ने इसको ढूंढा था, इनका नाम कोरेडो गिनी था, इन्होंने ही विकसित किया था। यह आय की विषमता का सबसे प्रचलित विधि है, यह भी एक विधि है आय की जो है विषमता को मापने का। यह वास्तविक लॉरेंज वक्र, यानी कि जो ये वक्र है वास्तविक लॉरेंज वक्र, और इसके अलावा आप देखेंगे निरपेक्ष रेखा के बीच, निरपेक्ष मीन्स यही 45 डिग्री जो रेखा है इसके बीच का जो क्षेत्र है इसी को ज्ञात करता है। इसके अलावा इस रेखा से इस क्षेत्र को, यानी कि इसके बीच की इसको इस क्षेत्र को भी मापता है और इस क्षेत्र को भी मापता है, इसी को कहते हैं गिनी गुणांक। अगर ये रेखा इधर जाएगी तो यानी कि गिनी गुणांक का मान बढ़ता जाएगा, और जो गिनी गुणांक का मान है वो 1 अधिकतम है और 0 न्यूनतम है, और अगर 0 पे है तो इसका मतलब कि जो स्थिति है वो बहुत अच्छा है, और अगर 1 पे है यानी कि अधिकतम है असमानता, ये जो है अच्छा नहीं है, यानी कि इसको आप 0 लेंगे और इसको आप 1 लेंगे 1 करेंगे तो इसका मतलब ये रेखा 0 की तरफ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये रेखा 0 से जो है 1 की तरफ बढ़ती जाएगी तो असमानता बढ़ती जाएगी। तो गिनी गुणांक में 1 हाईएस्ट है, वहाँ अगर 1 की तरफ बढ़ता है ये रेखा तो यानी कि यहाँ पे गरीबी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर ये 0 की तरफ जाता है तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका न्यूनतम मान 0 है गिनी गुणांक का, और अधिकतम मान 1 है, 1 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 1 से जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। इसी को मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। गिनी गुणांक 2012 में शुरू किया गया, इटालियन जो है उन्होंने शुरू किया था। ये लॉरेंज वक्र और निरपेक्ष रेखा के बीच की जो है क्षेत्र को मापता है, और निरपेक्ष रेखा से फिर यहाँ के क्षेत्र को मापता है। आगे है जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक,
इसको ध्यान देंगे बच्चों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये UNDP द्वारा शुरू किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का द्वारा ये शुरू किया गया है। और ये गरीबी सिर्फ आय द्वारा नहीं निकालता, यानी कि ये कहता है कि गरीबी सिर्फ आय से ही नहीं पता चलता है, इसके लिए मानव सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 3 आयाम को लिया गया है, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा और जीवन स्तर। यानी कि जो व्यक्ति है उसके पास आय की कमी है इसलिए गरीब नहीं माना जाएगा, बल्कि अगर उसके पास स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं है, तो वो गरीब माना जाएगा। तो ये जो UNDP है ये इन 3 मानकों को लेता है, जो आप देखेंगे मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के आधार हैं। इन्हीं 3 आधारों को लेता है और कहता है कि अगर ये 3 ज़रूरत किसी की पूरी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो गरीब है। आगे है बच्चों, आप देखेंगे इन 3 आयामों में स्वास्थ्य में क्या शिशु मृत्यु दर कितनी है, यानी कि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मतलब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि छोटे बच्चों का मौत हो जाता है, तो यानी कि वो गरीब हैं। जो बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की या माँ की अच्छे खान पान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, यानी कि ये भी गरीबी का लक्षण है। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुपोषण, यानी कि कहीं के बच्चों का अगर मतलब जो है जन्म तो हो गया लेकिन उनको पोषक तत्वों की कमी है शरीर में और उनका जो है अच्छे से पोषण नहीं हो पा रहा है, तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और उनके जो शरीर है और उनका जो दिमाग है वो विकसित नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, और इसको भी आप देखेंगे इसमें लिया जाएगा। शिक्षा में इन्होंने क्या कहा है कि नामांकित शिशु और शैक्षिक वर्ष, यानी कि शिक्षा ये नहीं कि बस नामांकन हो गया तो वो शिक्षिक मतलब शैक्षिक माना जाएगा, उसमें ये भी देखना है कि वो कितने वर्ष का है जब उसने नामांकन कराया पढ़ने के लिए, और इसके अलावा उसने कितने वर्षों तक शिक्षा अध्ययन किया। ऐसा तो नहीं कि क्लास 5 तक पढ़ने के बाद उसने छोड़ दिया तो उसको फिर तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, कम से कम हाई स्कूल इंटर या इससे ज़्यादा शिक्षा मिलनी चाहिए। तो नामांकन शिशु, नामांकित शिशु यानी कितने शिशुओं ने नाम लिखाया है शिक्षा के लिए स्कूलों में, और इसके अलावा शैक्षिक वर्ष यानी कि उन्होंने कितने वर्षों का शिक्षा अध्ययन किया है, तो इन सारी चीज़ों को लेंगे। इसके अलावा जीवन निर्वाह स्तर में क्या क्या है, यानी कि किसी के पास संपत्ति कितनी है, उसके पास ईंधन आपूर्ति है कि नहीं, यानी कि उसके पास खाना बनाने के लिए ईंधनों की जो ज़रूरत है पूरी कर पा रहा है कि नहीं, आवास यानी कि उसके पास घर है कि नहीं, विद्युत यानी कि उसके पास लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, जलापूर्ति यानी कि उसके पास पानी की व्यवस्था है कि नहीं, और शौचालय यानी कि ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं ये जीवन निर्वाह के स्तर को बताती हैं। अगर उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है, वो गरीब है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो आप जान ही रहे हैं कि स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, कुपोषण के शिकार नहीं होने चाहिए, तब जा करके वो स्वस्थ माने जाएंगे। शिक्षा में नामांकन भी होना चाहिए प्लस उनका शिक्षा जो है पूरे जितना उनका ज़रूरत है उतना होना चाहिए। आगे है बच्चों, जो है 50% से अधिक जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। आज भी जो भारत की जनसंख्या है, मैंने पहले भी बताया और मैं फिर से जिक्र करूंगी कि आज भी भारत की 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आती है, यानी कि हम जो गरीबी का जो पढ़ते हैं वो निरपेक्ष गरीबी है, जिसमें हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं उसे भी हमारे देश के ज़्यादातर लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनके पास आज भी भोजन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, स्वच्छ पानी का, आवास का, विद्युत का, इन सारी चीज़ों का अभाव है। आप सोच सकते हैं बच्चे अभी भी हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा गरीबी है, और सही भी है। आज भी जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें यही बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कुपोषण के शिकार हैं वो भारत में हैं, और आज भी हमारे यहाँ मिलियन की संख्या में लोग गरीबों के आप देखेंगे गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे मतलब जो है गरीब जनसंख्या हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा कुपोषित जनसंख्या हमारे यहाँ है। तो आज़ादी के इतने साल बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी, आज भी हमें जो है अपने बहुत बड़ी जनसंख्या को गरीबी रेखा के ऊपर नहीं ला पाए हैं, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आगे है बच्चों, भारत में गरीबी निर्धारण के लिए NSSO मुख्य संस्था है जिसका नाम बदल कर NSO कर दिया गया है। ये जो NSSO है ये बहुत बड़ी संस्था थी और ये आप देखते हैं बेरोज़गारी को भी मापता था और ये गरीबी को भी मापता था, लेकिन जो NSSO है इसका जो नाम है वो बदल दिया गया है, अब ये NSO हो गया है, तो इसको ध्यान देंगे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर मैं इसे थोड़ा फास्ट समझा गई तो थोड़ा 2 मिनट एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ।
यानी कि इधर मैंने आय के परसेंटेज लिखे हैं, इधर मैंने जनसंख्या का या व्यक्तियों का परसेंटेज लिखा है। अगर आय और व्यक्तियों का परसेंटेज जो है वो समान है तो इसका मतलब यह जिस भी देश में इस तरह का पाया जाएगा उस देश में गरीबी नहीं है या आय के वितरण में समानता है। लेकिन अगर ये रेखा इस लारेंज वक्र से या सीधी रेखा से दूर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये आय का जो विषमता को दर्शाएगा, जैसा कि मैंने इसमें आपको दर्शा करके दिखाया भी है कि बहुत कम आय है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि ज़्यादातर जनसंख्या के पास बहुत कम आय है। तो ये जो रेखा है, ये जो 45 डिग्री रेखा है, ये लारेंज वक्र से दूर नहीं जानी चाहिए। ये जितना इसके पास रहेगा जीरो के उतना ही अच्छा है और इससे जितना दूर जाएगा उतना ही खराब है, यानी कि वो उतनी ही ज़्यादा आय की असमानता को दर्शाता है। इसी को गिनी गुणांक कहते हैं, यानी कि इस मापने की विधि को, यानी कि इस रेखा से इस रेखा के मध्य की दूरी को और इस रेखा से इस रेखा के मध्य की दूरी को ही हम मापते हैं गिनी गुणांक में, और वर्तमान में सबसे प्रचलित तरीका है आय की असमानता को मापने का। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार और भी रिवाइज करके देखिएगा या बार बार रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना। थैंक यू।